कन्नौजी, आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कन्नौज में इस बार बजट न होने से आम जन सहित पुलिस भी ठंड से ठिठुरने को है मजबूर। यहां सार्वजनिक जगहों पर नाइट ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को ठंड से बचने के लिए कूड़े करकट का सहारा है। देर रात सदर कोतवाली क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी कूड़ा जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आए। ठंड से बचने की जद्दोजहद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिसकर्मी ठंड दूर करने के लिए कूड़ा बीन कर जला रहे हैं। वायरल वीडियो के बारे में जब हमने पालिका चेयरमैन शैलेंद्र अग्निहोत्री से बात की तो उनका कहना था कि पिछले साल के 10 लाख रुपए फंसे हैं, जो कि अभी तक पास नहीं हुए, इसलिए अस्पताल, बस स्टैंड, तहसील में अलाव जला रहे हैं। सार्वजनिक जगहों के लिए मेरे पास बजट नहीं है, जब बजट मिलेगा तो हर जगह अलाव जलवाएंगे। कन्नौज से जिला संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।